Good morning everyone, you are welcomed on MDN Education today. In this video we will discuss preposition means phrasal verbs for class 11th and 12th. And today we are going to discuss with the letter S. So let's start. First, jo phrasal verb hai wo hai send for. Send for means बुलाना या बुला भेजना. फॉर एग्जाम्पल, ही सेंट फॉर द डॉक्टर, उसने डॉक्टर के लिए बुला भेजा. सेंट फॉर मतलब सेंट के साथ किसका प्रयोग होगा, फॉर का. नेक्स्ट आता है सर्च फॉर. सर्च फॉर तलाश करना, मतलब के लिए तलाश करना. जैसे द पुलिस इज सर्चिंग फॉर द थीफ, द पुलिस इज सर्चिंग फॉर द थीफ. नेक्स्ट आता है थर्ड सिमिलर टू. सिमिलर टू मीन्स के समान. सिमिलर टू मीन्स क्या होता है, के समान. फॉर एग्जाम्पल, दिस शर्ट इज सिमिलर टू दैट. दिस शर्ट इज सिमिलर टू दैट. तो सिमिलर के साथ किसका यूज होगा, टू का. नेक्स्ट आता है सॉर्ट ऑफ. सॉर्ट ऑफ के साथ, सॉर्ट ऑफ मीन्स कमी होना, तो सॉर्ट के साथ ऑफ का यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल, एट प्रेजेंट आई एम सॉर्ट ऑफ मनी, भी इस समय मेरे पास पैसे की कमी है. एट प्रेजेंट आई एम सॉर्ट ऑफ मनी. नेक्स्ट आता है सॉरी फॉर. सॉरी फॉर, सॉरी फॉर मतलब अफसोस करना. जैसे आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन. आई एम सॉरी फॉर For, I am sorry for what I have done. Next आता है surrendered to means आत्मसमर्पण करना. surrendered to means क्या होता है, आत्मसमर्पण करना. तो surrender के साथ किसका यूज होगा, to का. For example, the enemy surrendered to the army. surrendered to the army. नेक्स्ट आता है स्लो एट. स्लो एट मीन्स धीमे होना. स्लो एट मीन्स क्या होता है, धीमे होना. फॉर एग्जाम्पल, ही इज स्लो एट लर्निंग इंग्लिश, भी वह इंग्लिश सीखने में क्या है, धीमा है. इंग्लिश सीखने में वह क्या है, धीमा. स्लो एट, तो स्लो के साथ किसका यूज होगा, एट. नेक्स्ट आता है सक्सीड इन. सक्सीड एक वर्ब होती है, सक्सेस नाउन होती है, ठीक है. और सक्सेसफुल जो हो गया वो एडजेक्टिव हो गया, और सक्सेसफुली एडवर्ब. तो सक्सीड इन, सफल होना. सक्सीड इन का मतलब क्या था, सफल होना. सक्सीड के साथ मतलब इन का यूज होगा. फॉर एग्जांपल, मोहन सक्सीडेड. मोहन सक्सीडेड इन गेटिंग फर्स्ट डिवीजन. मोहन सक्सीडेड इन गेटिंग फर्स्ट डिवीजन. क्लियर. नेक्स्ट है स्टेयर एट मतलब घूर घूर कर देखना, किसी चीज को टकटकी लगाए देखना. द ओल्ड मैन स्टेयर्ड एट मी फॉर अ लॉन्ग टाइम. द ओल्ड मैन स्टेयर्ड एट मी फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो स्टेयर के साथ किसका यूज होगा, एट का. नेक्स्ट आता है स्पीक टू. तो स्पीक के साथ किसका यूज होगा, टू का. स्पीक के साथ किसका यूज करेंगे, टू का. स्पीक टू मीन्स से बात करना. फॉर एग्जाम्पल, आई स्पोक टू हिम अबाउट इट. आई स्पोक टू हिम अबाउट इट, भी मैंने इसके बारे में उससे बात की. आई स्पोक टू हिम अबाउट इट. तो ये थे एस लेटर से. आगे हम करते हैं टी से. नेक्स्ट आता है टायर्ड ऑफ. टायर्ड ऑफ तंग आ जाना. आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, भी मैं इंतजार से तंग आ चुका हूँ, तंग आ गया हूं. नेक्स्ट आता है थिंक ऑफ. तो टायर्ड ऑफ के साथ किसका यूज होगा, ऑफ का. थिंक के साथ ऑफ का. थिंक ऑफ विचार करना. व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस प्लान. व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस प्लान. नेक्स्ट आता है ट्रू टू. ट्रू टू का मतलब होता है पालन करना. जैसे यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड, भी तुम्हें अपने वचन का पालन करना चाहिए. तुम्हें अपने वचन का पालन करना चाहिए, ट्रू टू.
नेक्स्ट आता है टॉक अबाउट। टॉक अबाउट, टॉक अबाउट मतलब बात करना, जैसे एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द न्यू फिल्म, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द न्यू फिल्म, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द लॉकडाउन। नेक्स्ट आता है थ्रेटन टू, थ्रेटन टू मतलब धमकी देना, थ्रेटन टू का मतलब क्या होता है, तो थ्रेटन वैसे धमकी देना, ये तो थ्रेटन के साथ किसका यूज होगा, टू का। द टेररिस्ट थ्रेटन्ड टू ब्लो अप द प्लेन, द टेररिस्ट थ्रेटन्ड टू ब्लो अप द प्लेन, भी आतंकवादी ने क्या किया, यहाँ पर आतंकवादी कर लेते हैं, आतंकवादियों ने, द टेररिस्ट थ्रेटन टू ब्लो अप द प्लेन, तो आतंकवादियों ने प्लेन को बम से उड़ाने या बारूद से उड़ाने की धमकी दी। नेक्स्ट आता है ट्रस्ट इन, तो ट्रस्ट इन मतलब विश्वास करना, जैसे वी शुड ट्रस्ट इन गॉड, हमें भगवान में विश्वास करना चाहिए। नेक्स्ट आता है टेस्ट फोर, टेस्ट फोर मतलब रुचि होना, शी हैज नो टेस्ट फॉर पेंटिंग, शी हैज नो टेस्ट फॉर पेंटिंग। तो ये थी आपकी एस और टी लेटर से फ्रेजल वर्ब्स। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप इट अप।